अस्सलाम वालेकुम याली मदद, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं मस्जिद में और इमाम रज़ा के हरम में, और इमाम रज़ा के बारे में बताता हुआ यहाँ पर इमाम रज़ा के कई सौ साल गुजरने के बाद भी वो चीज़ें वैसे ही जिंदा जावेद हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे मौजे होते रहते हैं। यहाँ पे शिफा की जाली है, जिसकी हमने आपको अलग से एक वीडियो बना के दिखाया अपने चैनल पे, और अभी भी आपको थोड़ी सी ज़्यारत करवाने वाले हम, तो करवाते हैं आपको ज़्यारत। इसके बाद आपको सैन गदीर के बारे में मैंने बताया कि गदीर के मौजज़ात क्या हैं, उस पर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, वो भी मेरे चैनल पे चल चुकी है, उसको भी आप जाके डिटेल में देख सकते हैं। तो अभी भी थोड़ी सी हम आपको ज़्यारत करवाते हैं सैन गदीर की, तो चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर जो लोग माजूर हैं, जो लोग बीमार हैं, जो लोग इमाम के दर की ज़्यारत करना चाहते हैं, उनके लिए जो है बहुत सी सहूलतें हैं। अभी आपने देखा व्हील चेयर मौजूद है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको खादिम के साथ मैसर की जाती है, खादिम आपको खुद जो है वो लेके चलता है, और जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ तक छोड़ता है, और जब तक आप उसे रोकना चाहें वो रुकता है, और वापस जहाँ आप ड्रॉप होना चाहें वहाँ तक वो खादिम आपको लेके भी जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। तो यहाँ पर बैटरी से चलने वाली छोटी गाड़ियाँ भी हैं, जो लोगों को इस पूरे हरम में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, ख़ास ख़ास यहाँ के सहन हैं उन सहन तक लेके जाती हैं, और सर्विस देती हैं लोगों को फ्री। जो लोग ज़्यादा नहीं चल सकते, जो मेरी तरह मोटे हैं, थक जाते हैं, वो उसमें बैठ सकते हैं, और मैं वज़न कम करने के चक्कर में हूँ, क्योंकि इमाम का हरम ही मैं घूम लूँ अच्छे तरीके से तो वज़न कम हो जाएगा, क्योंकि ये इतना बड़ा है, आज तक मैं भी इसको पूरा एक्सप्लोर नहीं कर सका। तो जैसे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, खुद भी मैं इस जगह को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अभी हम सैन गदीर की तरफ बढ़ रहे हैं, और सैन गदीर में आपको बताते हैं कि वहाँ के क्या क्या मौजज़ात हैं। जगह आ जाते हैं ना, मैं यहाँ बैठा, थोड़ा मज़े का मौसम हुआ हुआ है, उसको एंजॉय कर रहा था, तो यहाँ पे भी आप लोग आ गए। बस क्या बोलें, बोलना पड़ता है, फिर आप बोलते हैं बोलता बहुत है, चीज़ें कम दिखाता है। तो मैं इस वक्त सैन गदीर में पहुँच गया हूँ। सैन गदीर में वैसे तो आप ये सैन देख रहे हैं, इसी के साथ दूसरा भी है, वो पूरा ये सैन गदीर कहलाता है। सैन गदीर के मौजज़ात की वीडियो मैं आपको पहले बता चुका हूं, और यहां पर आप अगर रात के तकरीबन तहज्जुद के वक्त आएँ, और तकरीबन यहां पर दो ढाई बजे के करीब आएँ, तो आगे एक हॉल है, ठीक वहां पे कुछ लोग गैदरिंग होती है, जिनको पता है
जिसका नसीब होता है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, खास तौर पे औरतें ज़्यादा होती हैं, वो उस कमरे में आ जाते हैं तो वहाँ एक छोटा सा खिताब होता है फ़ज़ाइल इमाम रज़ा और अहले बैत के बताए जाते हैं, उसके बाद तहज्जुद होती है वहाँ पर और फिर फजर की अजान का इंतज़ार किया जाता है और फ़ज़ाइल कुछ दिए जाते हैं बताए जाते हैं, और फजर की जब नमाज होती है तो उसके बाद जो चीज़ बढ़ती है वो आपके लिए हैरान कन होगी कि इमाम रज़ा की तुर्बत के फूल पत्तियाँ और वहाँ की और भी सौगात जो वहाँ पे लगी होती है जो हमें नज़र नहीं आती हैं, वो एक छोटे से पैकेट में फूलों की शक्ल में, पत्तियों की शक्ल में, जड़ी बूटियों की शक्ल में दी जाती है, और उसके साथ कोई भी किताबचा या मौके की निसाबत से कोई भी लिटरेचर आपको फारसी में दे दिया जाता है। तो ये सब कुछ सैने गदीर में होता है। क्यों लोग आते हैं? क्योंकि लोगों की मन्नतें मुरादें या ख्वाहिशात जब बढ़ जाती हैं और उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो अहले बैत की तरफ आते हैं, और ख़ास तौर पे ये जो वो इमाम है जो तूस में हैं, जो वाहिद इमाम है जो अर्फ से बाहर हैं, तो इनके लिए आते हैं और इन्हीं से मांगते हैं, और इन्हीं की वजह से उनके घर में औलाद भी हो जाती है, तरक्की भी हो जाती है, रिस्क भी बढ़ जाता है, बीमारियां भी चली जाती हैं, तो इसलिए सैने गदीर में आते हैं। सैने गदीर की एक और ख़ासियत है, अगर आपको मेहमानी खानी है और मौला रज़ा के यहाँ दो किचन है, एक मेरे बिल्कुल सामने जो अभी मैं आप इस साइड पे ये जो है मेरे किचन है, ये एक खुल जाता है, एक सैने कौसर की तरफ है, ये दो हैं, वो थोड़ा सा स्पेशल है और ये थोड़ा सा नॉर्मल है। खाने दोनों के डिफरेंट होते हैं, सर्विस सेम होती है, इज्जत वैसी दी जाती है और खाना भी वैसे ही आपको पेश किया जाता है वैसे ही तरीके में, उसी स्टाइल में, और आप खाते भी वैसे ही हैं, तो फ़र्क थोड़ा सा होता है खाने में। वहाँ थोड़ा सा गोश्त का निज़ाम किया जाता है, यहाँ जो है वो मखसूस जो इनकी दाल या जो बीन्स होते हैं वो बनाए जाते हैं चावल के साथ, वहाँ चावल के साथ आपको जो है वो गोश्त का पीस दे दिया जाता है, ये फ़र्क है। अब ये आप कैसे लेंगे, ये पॉइंट है। सैने गदीर के साथ ही बिल्कुल रवाके गदीर है, यहाँ पे वो ये एरिया है जहाँ पे जो मैंने आपको बोला कि नमाज होती है, और तकरीबन लोग यहाँ 3 बजे के करीब ये खुलता है और 4 बजे तक ये खुला रहता है, उसके बाद इसके दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। जो होता है वो आप ख़ुद भी आके यहाँ देख सकते हैं, जैसा मैंने बयान किया ऐसा ही होता है। तो और एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये रवाके गदीर जो है इसका थोड़ा सा हिस्सा सैने तूस में भी पड़ता है। कैसे हैं हम लोग? ठीक हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मेहमानी हासिल कैसे करते हैं। पहले मैंने थोड़ा सा जिक्र किया, आप अगर इमाम बाबे जवाद से आते हैं तो फिर जैसे ही आप उसमें दाखिल होते हैं तो पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहन आ जाता है, और उसी सहन से सहन गदीर की तरफ आएँ तो गदीर का ये सहन आ जाता है जो मेरे अभी सीधे हाथ की तरफ है, और इसी में आप आएँ तो आपको ये रवाके गदीर नज़र आएगा। और इसी जगह से आप अगर उल्टी तरफ जाएंगे तो आपको रवाके गदीर का जो है वो हॉल नज़र आ जाएगा। उस हॉल में वो साहब बैठते हैं 2-3 जो आपको मेहमानी के कूपन देते हैं। अब ये प्रोसीजर इतना आसान नहीं रहा है, अब इसमें एक ऐप शामिल हो गया है नसीमे रिजवान के नाम से। ये आप यहाँ आएंगे, उस ऐप को आप गूगल प्ले से या डायरेक्ट गूगल से जो है डाउनलोड करेंगे, और उस ऐप में आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे
उसके बाद जो है वहाँ पे मैसेज आएगा और आप एक फ़ोन नंबर पर तीन मेहमानी ले सकते हैं, यानी कि तीन लोग या तीन नफर या तीन अफराद जो है वो मेहमानी खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास एक से ज़्यादा सिम है तो जितने हैं तो पर सिम जो है वो तीन लोग खा सकते हैं। जैसे हम लोग अभी आए हुए हम पाँच लोग हैं तो हम दो सिम यूज़ करके उन्हें बताएंगे, और जब ये हमारी इन्विटेशन आ जाएगी तो फिर हम इसी हॉल में आएंगे और यहाँ पर अपने पासपोर्ट दिखाएंगे उन्हें और वो हमें इशू कर देंगे। इसके अलावा मेहमानी ज़ाहिर है, एक मेरे पीछे हॉल है सैन गदीर में ही है, यहाँ पे भी मेहमानी होती है और एक सैन कौसर में भी होती है, तो डिपेंड करता है आपको कहाँ का कूपन मिला है। और उसमें वो पूछेगा आपसे आपको सुबह चाहिए या शाम चाहिए। सुबह का मतलब दोपहर को है और शाम का मतलब रात का खाना है, वो भी ज़्यादा इतना लेट नहीं होता, 7 से 9 बजे के करीब इनकी मेहमानी का टाइमिंग होते हैं। और इसी तरह दोपहर को जो है वो 1 बजे से 3 बजे तक का टाइम होता है। ये टाइमिंग चेंज भी हो सकती है क्योंकि वेदर और लोगों के हिसाब से भी। तो इस तरह आप मेहमानी ले सकते हैं और मेहमानी को इन्जॉय कर सकते हैं। एक तरीका और है मेहमानी का, वो क्या है वो इस चांद के बाद मैं आपको बताता हूँ। بشنف موسای قاسم روایت را که گفت سایر قبر رضا در عرص و فار خدا سایرای امام رضا توف قبرش کن که در محشر مقام ساست بشنف موسای قاسم این روایت را که گفت ظاهر قبر رضا در عرص و فار خدا ظاهر. और एक चीज़ और है, इसके अलावा आप या जितनी ज़्यादा ज़्यादा नज़र या आप नजराने देंगे पैसों की शक्ल में, तुमन की शक्ल में, पाकिस्तानी रुपए की शक्ल में, डॉलर की शक्ल में या किसी भी शक्ल में, तो आप जितना ज़्यादा अमाउंट देंगे उसके हिसाब से भी आपको कूपन मेहमानी के मिल जाते हैं। और वो मेहमानी के कूपन दोनों में से किसी के भी हो सकते हैं, ज़्यादातर आपको सैन कौसर के मिलते हैं। तो इस तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में कहते हैं कि इमाम रजा के हरम में ये पैसे जमा करवा दो तो हम वो भी करवा देते हैं। तो इस ऐसा आपने कई बार देखा होगा कि हमने एक ही टूर में कई बार मेहमानियाँ खाई हैं, तो उसका ये भी रीज़न होता है, हम अपने पैसे भी जो है वहाँ डोनेशन करते हैं और मेहमानी के कूपन भी मिल जाते हैं। अगर आप कम अमाउंट में करते हैं तो आपको इमाम के हरम की शक्कर मिल सकती है, नमक मिल सकता है, चीनी मिल सकती है, चावल मिल सकता है, और डिपेंड करता है वो और क्या चीज़ देते हैं। तो कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ही होगा जब भी आप यहाँ पे डोनेशन देंगे, या आप कोई भी अमाउंट किसी भी नियत से हरम के हिसाब से आप देंगे कि इनके मुलाजमों को जाए या यहाँ के खाने में डल जाए या यहाँ की तामीरात में डल जाए, तो वो हिस्सा डाल देते हैं और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ रिटर्न में देते हैं। और यही जो है अहले बैत का शेवा भी रहा है, और यहाँ पे भी आपके पैसे रागा नहीं जाएंगे। वही चीज़ नमक, चीनी या शक्कर या जो भी चीज़ है वो आप अपने खानों में इस्तेमाल करेंगे, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। जो हम तबर्रुक के तौर पे जब पाकिस्तान आते हैं तो कई लोगों को हम बांटते हैं। तो यहाँ तक तो सैन गदीर में ही हम घूम रहे हैं और हमें सामने नज़र आ गया है कावा मिल रहा है, आपको चाय खाना है, तो चलते हैं चाय खाने में और देखते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है या आपको ख़रीदना पड़ेगा। मेरे हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो देखते हैं। खानम का अलग साइड बनी है और मेल्स की अलग साइड बनी है, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं। इमाम रजा का ये टी हाउस है, लिखा हुआ है, अभी वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें, ज़ाहिरीन-ए-गिरामी के नाम से
इन्होंने रखा हुआ है और आपको पेश किया जा रहा है कावा, जो ईरान की ट्रेडिशन भी है और सकाफत के साथ साथ ट्रेडिशन के साथ साथ लोगों के लिए एक गिफ्ट है इमाम की तरफ से, जो फ्री है। अभी आपको हम दिखाते हैं कि मेरे बिल्कुल सामने किस तरह लोग कारपेट पे बैठकर गप्पे भी लगा रहे हैं, तलावत भी सुन रहे हैं और उसके साथ साथ कावा भी नोश फरमा रहे हैं। حضرت رضا علیه السلام هم برنامه بارانی رو خیلی لذتیان رو خوب شرکت کردند و حضرت و بحره معنوی رو بردن هم حضرت و الحمدلله رضی و حضرت काफ़ी लोगों की तादाद है। और अस्सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। ये देखें कितने बड़े बड़े जो है वो इन्होंने टब ये रखे हैं और इसमें पानी गर्म हो रहा है और कावा बनता जा रहा है और इस तरह ये कावा भरते हैं और इन्होंने अपने हिस्से का कावा ले लेता हूँ। इसी में शक्कर भी साइड पर रखी है, जितनी चाहिए आप वो भी ले सकते हैं और पी के कब आप दोबारा रख दें, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, यूनिक है, जो इमाम की तरफ से आपको दी जा रही है। तो जी कावा, मैं समझ रहा था चीनी अलग से होगी, यहाँ शक्कर मगर इन्होंने इसी में मिलाई हुई है, बहुत अच्छी चीज़ है। आपको बताता चलूँ, ईरान में चाय की जगह जो है हम जो चाय पीते हैं ईरान में वो मुख्तलिफ होती है। मैं आपको बताता चलूँ, जो ईरान में चाय पी जाती है और जो पाकिस्तान में पी जाती है उस पर फ़र्क क्या है। ये उसी पत्ती का कावा बनाते हैं, पत्ती थोड़ी सी इनकी डिफरेंट होती है, हमारी थोड़ी सी तेज़ पत्ती टाइप की होती है, हम दूध डाल देते हैं और ये दूध नहीं डालते, इसी चीज़ को ये कावा कहते हैं। कावा अगर आप शॉप पे जाएंगे तो कावा आप अगर बोलेंगे तो वो कॉफ़ी भी आपको दे सकता है, मगर कुछ लोग कॉफ़ी और कावा में तमीज़ रखते हैं, कुछ लोग कावा भी बोलेंगे तो वो आपको कॉफ़ी दे देंगे। कॉफ़ी यहाँ की ज़रा स्ट्रांग होती है तो उसके साथ चॉकलेट या मीठा दिया जाता है ताकि आपको कड़वा ना लगे। तो ये एक ईरानी ट्रेडिशन है और यहाँ पर इमाम की दर पर ये फ्री ऑफकोर्स जो है यहाँ पर लोगों के लिए मैसर है, चाहे जितना पिए, चाहे आप अपने जार में या जग में या थर्मोस में या मग में आप भर के लेके जाना चाहते हैं तो वो भी ये दे देते हैं। तो यहाँ तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, नई नई मालूमात के लिए, अच्छी मालूमात के लिए, नई नई मालूमात के लिए और नई नई इंफॉर्मेटिव हिस्ट्री के लिए जो है वो जर्नी ऑफ फेथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें अगर आपको मेरी एफर्ट पसंद आई हो। तो मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, अस्सलाम वालेकुम।